नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट नारियल का खीर बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नारियल का खीर बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, दूध, नारियल, खड़ा शक्कर, चिरौंजी, काजू। अब यहाँ पे हम दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब हम हाई फ्लेम में दूध को 1 उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारे दूध में भी 1 उबाल आ चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल को डाल लेंगे। मैं यहाँ पे कच्चे नारियल को तोड़ने के बाद उसका काला वाला हिस्सा को हटा ली हूँ, उसके पास इस तरीके से कद्दूकस कर ली हूँ। चलिए अब हम इस कद्दूकस किया हुआ कच्चा नारियल को दूध में डालेंगे। दूध में डालने के बाद इस तरीके से चला लेंगे, ऐसे मीडियम फ्लेम में इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं दूध में कच्चे नारियल को डालने के बाद हमने 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसी तरीके से चलाते हुए पका लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। कटा हुआ काजू डालेंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिरौंजी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा होने तक और भी पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा नारियल का खीर है पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम खड़ा शक्कर डालेंगे। मैं आज नारियल का खीर को हेल्दी तरीके से बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए खड़ा शक्कर को नारियल के खीर में डाल लेते हैं। और खड़ा शक्कर को डालने के बाद इस तरीके से चला लेंगे। हमें इसे और भी अभी गाढ़ा करना है, इसलिए और भी टाइम के लिए अभी पका लेंगे। इसी तरीके से हर 2 से 3 मिनट में चलाते हुए और भी टाइम के लिए पका लेंगे। अब हमारा नारियल का खीर है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। चलिए अब हम नारियल के खीर के ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। अब हमारा नारियल का खीर पूरी तरीके से खाने के लिए बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।